जी बोल रही हूँ दोस्तों, मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो करके ये सूप बनाएंगे तो घर में बार बार डिमांड होगी कि सूप बनाओ, वेजिटेबल सूप बनाओ। और मैं आप कमेंट करके बताएं तो और मैं आपको शोरबे का भी एक रेसिपी बनाकर बताऊंगी दोस्तों, नया वीडियो। दोस्तों खट्टा मीठा तीखा पूरा सब टेस्ट है इसके अंदर। ये बारिशों का सीजन है, बारिश का मौसम है, तो ठंडे मौसम में ये बहुत ही लजीज मजेदार लगेगा दोस्तों। दोस्तों इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है ना, ऐसा दिल चाह रहा है। हेल्थी वेजिटेबल टैंगी सूप बताऊंगी। मुमताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ मेरी किचन में। दोस्तों सबसे पहले आप कौन सी चाहिए वो वेजिटेबल काट लें बारीक सा। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये काम कर रही हूँ, ये मसाला बनाएंगे हम। ये एक मिर्ची या आधी मिर्ची ले लें, क्योंकि दूसरा मसाला भी पड़ता है इसके अंदर, काली मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला थोड़ा पड़ता है, इस वजह से थोड़ा खटास मिठास आएगा, तेज आएगा। तो एक मिर्ची ले रही हूँ मैं, वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा है हमारी इसीलिए। और अदरक, अदरक बेहद ज़रूरी है, और थोड़ी लहसुन, ये ग्रेट कर लें आप चाहें तो, नहीं तो मैं जार में डाल रही हूँ, मुझको थोड़ा अर्जेंट है इसीलिए। ये देखिए जार में डालकर पीस लेंगे हम। मोटा दोस्तों पीस कर ऐसे तैयार हो गया है, इतना बारीक होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं, ये देखिए इतना मोटापन। अभी हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। दोस्तों 4 स्पून तेल डाल लें, इतनी तरकारी के लिए मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 4 स्पून है ये अदरक, इसको थोड़ा गर्म होने दें। दोस्तों अभी ऑयल गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, गर्म करके थोड़ा सिम पे रख देना है। ये देखिए मैंने जो मसाला पीसी है मिक्सर जार में, अभी चटनी जार में वही है, जो ये छोटी सी मिर्ची और लहसुन के कलियाँ, 6 लहसुन की कली, थोड़ी अदरक। अभी हम सॉटे करेंगे इसको थोड़ा सा। अभी हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, हाफ प्याज लेके हूँ मैं, बस ज्यादा नहीं। ये स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा इसको कलर करी। अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी पिनिस फल्ली, बीन्स, जो हम पीनिस फली बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं वो, कैरेट बारीक सा काट के हूँ, ये देखिए ऐसा। ये थोड़ा गलने की चीज़ है इसीलिए मैंने बीन्स और गाजर को पहले डाली। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे ही उसको सॉटे करेंगे, नमक नहीं डालना अभी। अभी मैं डालूँगी कैप्सिकम या कैबेज, दो भी डाल लें एक के बाद एक। ही सॉटे करें 5 मिनट तक, इसमें तेल भी कुछ ना डालें, अभी सिम पर रखें चूल्हा। ये हेल्थी वेजिटेबल जूस बन रहा है सूप, इसीलिए इसमें बटर मत डालिए, ऐसे ही इसको सॉटिंग करते रहें, हिलाते रहें। अभी डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, यानी कि 1 स्पून सॉल्ट इतनी तरकारी के लिए, इतनी सब्जी के लिए। अभी डालूंगी मैं इसमें पानी, पानी वेजिटेबल पानी डाल लें, चाहे तो आप वेजिटेबल पानी बनाकर रख लें डाल लें वो, लेकिन मैं डाल रही हूँ सादा सा पानी जो गर्म करके रखी हुई हूँ, ये देखिए। दो गिलास पानी है दोस्तों ये, इसको पकने दें और गर्म करके रख लें, चाहे तो आप डाल लें। इसको ढककर पकने दीजिए, थोड़ा सिंपल करके इसको ढक दें सिर्फ 4 मिनट के लिए। दोस्तों ये पके तक 4 मिनट, हम 4 मिनट में और एक काम करेंगे। अब देखिए मैजिक सूप का, अभी हम क्या करेंगे, दूसरे चूल्हे पर रख देंगे उसको। एक चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम पापड़ तलेंगे, पापड़ का मैजिक बताऊंगी मैं आपको। अभी पापड़ तलने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गया है, तो देखिए सॉफ्टनेस आ गई है पूरे वेजिटेबल में। अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि गाढ़ा हो गया है इसीलिए। अभी डालूंगी ये देखिए सोया सॉस 1 स्पून के करीब। कभी भी दोस्तों पहले
सोया सॉस ना डालें, क्योंकि वेजिटेबल जो है हमारी वो काला कलर हो जाते, ब्लैक कलर हो जाएगी तो टेस्ट नहीं लगेगी और अच्छी नहीं दिखेगी, तो खाने के लिए मज़ा नहीं आएगा। पकने के बाद ही आप सोया सॉस डालें, चाहे तो आप और आधा स्पून डालें, मैं आधा स्पून और डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस और थोड़ा सा चाट मसाला, ये मिक्स करेंगे इसमें। अभी टेस्ट कर ले, मैं अभी टेस्ट करूंगी कि नमक कितना है। हाँ, थोड़े नमक की जरूरत है, अभी थोड़ा डालूंगी नमक। अभी ये देखिए कॉर्नफ्लोर दो स्पून लेके हूँ मैं। अभी इसके अंदर पानी थोड़ा। अभी इसमें डालूंगी मैं काली मिर्ची का पाउडर एक स्पून, इसको मिक्स करेंगे। इसमें घंट आने ना दें, ऐसे ऐसे मिक्स कर ले अच्छी तरह से, सॉफ्ट स्मूथ बन जाएगा पेस्ट। सेलरी बोलते हैं इसको, ये मिलाने से इसको सेलरी बोलते हैं। देखिए अभी हम इसमें मिला देंगे, ऐसे करके ऐसे हिलाते रहना, ये डालते रहना। गाढ़ा बनाने के लिए डालते हैं, चाहे तो आप और थोड़ा डाल लें कॉर्नफ्लोर, मैंने इतना ही डाली, बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ये पकने के बाद में और गाढ़ा जाएगा। हरी धनिया के डंटल डाल रही हूँ, उसका जो पीछे का डंट आता है उसमें स्मेल बहुत अच्छी होती है दोस्तों, इसीलिए वही डाली हुई हूँ मैं। देखिए दोस्तों अभी इसकी कच्ची स्मेल पूरी चले गई है। अभी हम डालेंगे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, आप समझ गए होंगे तैयार हो गया है सूप, लेकिन अभी नहीं हुआ है ये। अभी हम इसमें डालेंगे ये देखिए विनीगर 3 स्पून डाल लें। हाँ अभी आएगा टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट, टैंगी फ्लेवर अभी आएगा। मैं कभी भी रिकमेंड करूंगी दोस्तों विनीगर लास्ट में ही इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से भी चीज में डालें आप विनीगर एंड में ही डालें। अभी ये तैयार हो गया है, मैं सर्व करूंगी अभी 2 बॉल। देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल राइट है, और थोड़ा ठंडा होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें मैं घी डालकर ऐसे थोड़े चिली फ्लेक्स में घी डालकर ऐसे हिला रही हूँ इसको, क्योंकि इसके ऊपर शाइन आने के लिए ये डालेंगे हम, ये सब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। आप रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं, पी लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। ये देखिए ये सब डालने से ही टेस्ट आएगा, ऐसे ऊपर से डालें, थोड़ा थोड़ा सा डालें। अभी थोड़ी सी हरी धनिया, दोस्तों टेस्ट करूंगी मैं अभी, पककर तैयार हो गया है। बहुत मजेदार लजीज तैयार हुआ है दोस्तों, बहुत मजेदार लजीज। आप चाहे तो ये पपड़ ऐसा तोड़कर ऐसा साइड से डाल लें, नहीं तो मैं तो ऐसे खाती हूँ घर में, मैं बताती हूँ। देखिए मैं ऐसे करके, ये देखिए ऐसे खाती हूँ घर में, मुझको बहुत पसंद है दोस्तों। ये ठंड में इतना गर्म, इतना अच्छा लगेगा कि शेर बना देगा ये खाने से। अच्छी बोल रही हूँ दोस्तों, मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो करके ये सूप बनाएंगे तो घर में बार बार डिमांड होगी कि सूप बनाओ, वेजिटेबल सूप बनाओ। और मैं आप कमेंट करके बताएं तो और मैं आपको शोरबे का भी एक रेसिपी बनाकर बताऊंगी दोस्तों, नया वीडियो। दोस्तों खट्टा मीठा तीखा पूरा सब टेस्ट है इसके अंदर। ये बारिशों का सीजन है, बारिश का मौसम है, तो ठंडे मौसम में ये बहुत ही लजीज मजेदार लगेगा दोस्तों। सचमुच ये वेजिटेबल सूप बहुत ही भारी और टेस्ट लगेगा दोस्तों। आप रेस्टोरेंट का जो ऑर्डर करके मंगाते हैं वो सूप भूल जाएंगे, ये सूप बनाएंगे तो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। हमेशा हंसते रहें, स्टे फिट, आपकी प्यारी चहती ममताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। स्टे हेल्थी।